हमारे साथ राज्यसभा सांसद कांता कदम जी है। बड़ा मैसेज दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, भ्रष्टाचारियों को इस बार 5 साल में खत्म किया जाएगा। देखिए आप, भ्रष्टाचार तो बहुत खत्म कर ये सब महसूस कर रहे हैं सभी हैं, और देश की जनता को बहुत सम्मान दिया, इस देश के विकास के लिए बहुत काम किया, इस देश को जो है आगे अग्रणी पंक्ति में पहुंचाने के लिए बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, दलितों को सम्मान दिया है, किसानों को, सभी को सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत सम्मान दिया है। अगले 5 साल नारी शक्ति समृद्धि के होने वाले? बिल्कुल, और नारियों को तो बहुत पहले से ही सम्मान देती है हमारी पार्टी, और आदरणीय मोदी जी ने भी जब से आए, वो 14 आए हैं, तो महिलाओं को बहुत सम्मान होगा। विपक्ष क्यों लगातार आरोप लगाता रहता है? मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा रोजगार दिया गया है, आय दोगुनी हुई है किसानों की, लेकिन विपक्ष मानने को क्यों नहीं तैयार होता? ऐसा है, विपक्ष को कुछ जानकारी नहीं है, विपक्ष समझना नहीं चाहता है, समझता है लेकिन कहना नहीं चाहता है, उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए है, तो झूठ कुछ भी बोलता रहे हो, तो झूठ के सर पैर नहीं होते। यहाँ की जनता अच्छे से समझ रही है कौन क्या कर रहा है, तो आज मोदी जी की मांग जो है हर घर घर में है, आज जन जन तक है मोदी जी की मांग। विपक्ष में प्रियंका गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, वो भी महिलाओं की बात करती है, लेकिन विश्वास क्यों नहीं जनता जता पा रही उनके ऊपर, आपको क्या लगता है? देखिए प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं, आजादी के बाद बहुत लंबा समय मिला कांग्रेस को सत्ता में रहने का, महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा मतलब अन्याय हुआ, बहुत भ्रष्टाचार था देश में, कितना काम किया है उनको खत्म करने के लिए, महिलाओं को कितना सम्मान दिया है, तो जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो ये कहाँ चली जाती है? कहीं भी आप बता सकते हैं कि महिलाओं को इनकी सरकार में है कहीं भी कोई महिलाओं को सम्मान दे? महिलाओं को उत्थान की बात करिए, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करिए, या बेटी बढ़ाने की बात करिए, आज हर घर की महिला बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, हर घर की महिलाएं हैं आगे बढ़ रही हैं, जो है आप देख रहे हैं कि पहले और अब में कितना फर्क है, कितना बदलाव है, ये मोदी जी की देन है, ये योगी जी की देन है, जो उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार को खत्म किया है, देश के भ्रष्टाचार को खत्म किया है, बाहर से जन कहाँ कहाँ से कंपनी आके गरीबों का पैसा लूट कर चली जाती थी, ये देखिए उनका पैसा उन्हें मिले, मोदी जी ने बोला भी। मैं आखिरी के 2 सवाल करूंगा आपसे, एक सवाल, अभी यूपी में मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कहा जा रहा है कि ये हत्या है, ऐसा क्यों होता है? जब भी कुछ चीज होती है यूपी में या देश में, विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगाने लग जाता है? देखिए जनता ने इन्हें नकार दिया है, जितना भी पक्ष है इनका कार्यकाल जनता ने देखा है, इनके कार्यकाल में जितनी गुंडागर्दी जितना भ्रष्टाचार है वो किसे छिपा नहीं है, अब ये कुछ भी बोलते रहे हैं उसके कोई सर पैर नहीं है, उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, विपक्ष बोलता रहता है, विपक्ष बोलता रहता है। क्या संदेश यहाँ से लेके जा रहे हैं जो जनता तक पहुंचेगा 2024 लोकसभा चुनाव? देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए मोदी जी को सुनने के लिए, और यहाँ महिलाएं काफी बड़ी संख्या, किसान यहाँ काफी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, यहाँ से सभी जनता यहाँ संदेश लेकर भी गई है, और पहले से भी ये संदेश है कि मोदी जी अब की बार मोदी सरकार, और जो संदेश है मोदी जी की तरफ से कि 400 पार, उसमें से एक सीट मेरठ की भी है, और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटें जीतने वाले हैं, सभी यहाँ प्रत्याशी, कई प्रत्याशी यहाँ मंच पर भी गए, मुजफ्फरनगर से थे, सामले से थे, बागपत से थे यहाँ पर, तो अब की बार जो है 400 बार का यूं ही नारा दिया है, विकास का नारा कि सब लोग जानते हैं कि कितना विकास इस देश में हुआ है, कितना यहाँ आज का जो यूथ है कितना आगे बढ़ रहा है, और कितना जो है स्टार्टअप के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, और खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से, और कौशल विकास के माध्यम से उनको कितना रोजगार मिला है। बस आखिरी एक सवाल ये पूछूंगा, ओपी राजभर एनडीए के साथ शामिल है, उनकी पार्टी गठक दल में है एनडीए के साथ, तो ओपी राजभर मुख्तार अंसारी को ही कह रहे हैं कि वो क्रांतिकारी थे, पहले कहा था और उसी बयान पे अब टिके हुए हैं, क्या कहना है इससे? देखिये मैंने उनका कुछ बयान सुना नहीं है, अभी मैं रैली में आ रही हूँ, आप ही मुझे ये बता रहे हैं, तो मुझे कुछ, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकती ना मैंने ये सुना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कांता कदम, जिन्होंने तमाम मुद्दे बताए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विपक्ष पर लगातार हमलावर नजर आई। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।